कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यह समय विश्व युद्ध के 300 साल के बाद का समय है। 300 साल पहले एक युद्ध हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, यानी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिस पर एक छोटी सी दुनिया बसी हुई थी। वहां पर रहने वाले लोग अपना कचरा नीचे जमीन पर फेंका करते थे। तभी हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो उस गार्बेज में कुछ खोज रहे थे। तभी उन्हें वहां पर एक अद्भुत रोबोट मिलता है। यह रोबोट बहुत विचित्र था क्योंकि इसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है और आधी बॉडी मशीन की होती है। वह डॉक्टर उस रोबोट को अपने घर पर ले जाता है और उसकी मरम्मत करके उसमें एक नई बॉडी फिट करता है। अगले दिन जब उस रोबोट को होश आता है तो वह उस डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूं, यहां पर मैं क्या कर रही हूं। असल में उस डॉक्टर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था क्योंकि वह उस रोबोट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। डॉक्टर उस रोबोट को बस इतना बताता है कि तुम मुझे गार्बेज में मिली थी जो स्पेसशिप से फेंका जाता है। तुम्हारी बॉडी को किसी ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, बस तुम्हारा दिमाग ही काम कर रहा था, जिसको मैंने एक नई बॉडी में फिट कर दिया। उसके बाद वह डॉक्टर उस रोबोट को बाहर ले जाता है और बाहर की दुनिया दिखाता है, जिसे देखकर वह रोबोट बहुत खुश होती है। और तभी उस रोबोट की नज़र उस स्पेसशिप पर पड़ती है। वह डॉक्टर से उसके बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे बताता है कि युद्ध के बाद यह सिटी ही शेष बची थी। इसका नाम स्काई सिटी है। डॉक्टर उसे आगे बताता है कि वहां पर हर कोई जाना चाहता है। वहां पर सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं जिन्हें हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाती है। वहां पर हर कोई खुशी से रहता है। तभी हम देखते हैं कि वह डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। डॉक्टर कहता है कि यहां के लोग आज से तुम्हें एलिटा के नाम से जानेंगे। इसके बाद एलिटा वहां पर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो है। ह्यूगो एलिटा की काफी तारीफ करता है। दोनों एक दूसरे के साथ अब समय बिताना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। रात को वहां पर कोई एक लड़की का खून कर देता है। तभी हमें आगे बताया जाता है कि वहां पर सीरियल किलर रहता है जो लड़कियों का खून करके उनके बॉडी पार्ट्स को बेच देता है। एलिटा डॉक्टर को चोरी छुपे कहीं से आते हुए देखती है। डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ देखती है, जिसे देखकर एलिटा सोचती है कि वह सीरियल किलर कहीं डॉक्टर ही तो नहीं है। अगले दिन डॉक्टर से उसकी वाइफ मिलने आती है। तभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने जो बॉडी एलिटा को लगाई है वह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर की बेटी की है, जिसकी बहुत साल पहले डेथ हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि ह्यूगो एलिटा को एक गेम दिखाता है और एलिटा को खेलने के लिए कहता है। एलिटा उस गेम को बहुत अच्छे से खेलती है। तभी हम देखते हैं कि ह्यूगो एलिटा को एक जगह पर ले जाता है जहां से पूरा शहर बिल्कुल साफ दिख रहा था। तभी ह्यूगो एलिटा को स्पेसशिप के बारे में बताता है। ह्यूगो एलिटा को वह पाइप दिखाता है जहां से स्पेसशिप का सारा कचरा नीचे जमीन पर फेंका जाता है। ह्यूगो एलिटा को बताता है कि डॉक्टर को तुम उसी गार्बेज में मिली थी जो स्काई सिटी से नीचे फेंका जाता है। इसका मतलब है कि तुम पहले स्काई सिटी में रहती थी। लेकिन एलिटा को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता है क्योंकि एलिटा की याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर रात को कहीं बाहर जा रहे होते हैं और एलिटा भी डॉक्टर के पीछे पीछे चली जाती है। एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वे होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उनकी बॉडी को फैक्ट्री में ले जाकर बेच देते हैं, जिसके बदले उन्हें एक अच्छी खासी अमाउंट मिलती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वही किलर आ जाता है जो शहर में लड़कियों को अगवा कर उनको मार रहा था। एलिटा उस किलर को बहुत बुरी तरीके से मारती है। एलिटा के डर से वह किलर वहां से भाग जाता है, लेकिन एलिटा उनमें से एक किलर को मारने में कामयाब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर और एलिटा उस किलर का सिर लेकर फैक्ट्री में जाते हैं, जहां पर उन्हें उस किलर के सिर के बदले $20 मिलते हैं। डॉक्टर इसके बाद एलिटा को अपनी वॉरियर हंटर बनने की स्टोरी बताते हैं। डॉक्टर एलिटा को बताता है कि बहुत साल पहले जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ एक साथ मिलकर रहा करते थे, मैंने एक रोबोट बनाया था जो हमारे साथ हमारे घर में रहता था। एक दिन वह रोबोट मेरी बेटी को उठाकर ले गया और उसे मार दिया। उसके बाद मुझे उस रोबोट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैंने उसे तहस नहस कर दिया। इसके बाद से ही मैं वॉरियर हंटर बन गया। आगे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं। डॉक्टर की वाइफ
खुद भी एक डॉक्टर होती है जो वेक्टर के लिए काम करती है, क्योंकि वेक्टर ने उसे वादा किया था कि वह उसे एक दिन स्पेसशिप में जरूर भेजेगा। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे एलिटा ने बहुत मारा था। वह रोबोट वेक्टर को सारी कहानी बताता है। इसके बाद वेक्टर रोबोट पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम एक बच्ची से पीटकर मेरे सामने आ गए। फिर हम देखते हैं कि ह्यूगो एलिटा को रेस गेम दिखाने के लिए ले जाता है। वेक्टर ही इस रेस गेम का ऑनर होता है। ह्यूगो एलिटा को बताता है कि जो इस गेम को जीतेगा उसे स्काई सिटी भेज दिया जाएगा। ये बात सुनकर एलिटा काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूगो एलिटा को घुमाने ले जाता है, जहां पर एलिटा एक पुराने जहाज को देखती है। ह्यूगो एलिटा को बताता है कि यह जहाज 300 साल पुराना है, जो कि दुश्मनों का है। अभी हम देखते हैं कि एलिटा को उस जहाज में एक बॉडी मिलती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। एलिटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है, इस बॉडी को मेरे अंदर फिट कर दो। डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उस बॉडी के अंदर बहुत सारे हथियार होते हैं और अगर डॉक्टर उस बॉडी को एलिटा में फिट कर देगा तो एलिटा बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक बन जाएगी। ये सुनकर एलिटा गुस्से में वहां से चली जाती है और डिसाइड करती है कि वह भी आज से वॉरियर हंटर है। एलिटा ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहां पर सारे सिटी के हंटर होते हैं। एलिटा उन लोगों को बताती है कि हमें वेक्टर के उस रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वह वही किलर है जो सारी लड़कियों को अगवा कर उनको बेरहमी से मार रहा है। तभी उनमें से एक वॉरियर हंटर एलिटा का काफी मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम साइज में इतनी सी हो, तुम किसी को कैसे मार सकती हो? आखिर तुम वॉरियर हंटर कैसे बन गई? ये सुनकर एलिटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वह उस हंटर को बहुत मारती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वेक्टर का वही रोबोट आ जाता है जिसे एलिटा ने बहुत मारा था। अब साइज में बहुत बड़ा हो गया था। डॉक्टर के वाइफ ने इसे और भी पावरफुल बना दिया था। आगे हम देखते हैं कि एलिटा और रोबोट में काफी लड़ाई होती है। रोबोट अपनी जान बचाने के लिए नीचे चला जाता है। एलिटा भी उसका पीछा करती है। यहां पर उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन लास्ट में वह रोबोट एलिटा की बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं, उस रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं और आखिर में वे दोनों उस रोबोट को हरा देते हैं और उसकी बॉडी में आग लगा देते हैं, जिससे वह रोबोट वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। डॉक्टर एलिटा की बॉडी को घर पर ले आते हैं। एलिटा की बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है, इसलिए जो बॉडी एलिटा को उस जहाज में मिली थी, डॉक्टर उस बॉडी को एलिटा में फिट कर देते हैं। अगले दिन जब एलिटा को होश आता है तो एलिटा अपनी नई बॉडी को देखकर काफी खुश होती है। एलिटा उस बॉडी की मदद से तरह तरह के वेपन्स चला सकती थी और आग भी पैदा कर सकती थी। आगे हम देखते हैं कि एलिटा अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए ह्यूगो के पास जाती है। ह्यूगो को एलिटा की नई बॉडी काफी पसंद आती है और ह्यूगो एलिटा को बताता है कि वह जल्द से जल्द स्पेसशिप में जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारे पॉइंट चाहिए जो कि उसके पास है नहीं। ये सुनकर एलिटा अपना दिल निकाल लेती है और ह्यूगो को इसे लेने को कहती है। एलिटा कहती है कि मेरा दिल ले लो और इसे ले जाकर बेच दो, इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे और तुम आसानी से स्काई सिटी चले जाओगे। ये कोई साधारण दिल नहीं है, इसमें बहुत सारी पावर्स है। इसमें इतनी पावर्स है कि हम इससे कई महीनों तक पूरे शहर को बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ह्यूगो इसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें अपने दिल को अपने पास ही संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत खास है। ह्यूगो एलिटा को बताता है कि तुम्हें रेस में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि तुम उस रेस को आसानी से जीत सकती हो। एलिटा उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है, क्योंकि वह ह्यूगो से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर्स और हंटर्स को एलिटा को मारने के लिए हायर करता है और कहता है कि जिस किसी ने भी रेस में एलिटा को मार दिया, मैं उसे 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जिससे तुम आराम से स्काई सिटी जा सकते हो। अब हम क्लब में उस हंटर को देखते हैं जिसे एलिटा ने बहुत मारा था। अब वह इसका बदला ह्यूगो से लेना चाहता था, क्योंकि एलिटा ह्यूगो से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वह हंटर एक आदमी को मार के उसका सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है, जिससे वह भी अब किलर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिटा पर सारे किलर्स हमला कर देते हैं,
लेकिन एलिटा उनको बारी बारी से मार देती है। तभी एलिटा के पास ह्यूगो का फोन आता है और उसे वह सारी कहानी बताता है और बताता है कि उसके पीछे वह हंटर उसे मारने के लिए पड़ गया है। तभी हम देखते हैं कि एलिटा उस रेस को बीच में ही छोड़कर चली जाती है और उस रोबोट को बहुत बुरी तरीके से मारती है। पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो अब एक किलर बन गया है और जो उसको ढूंढेगा उसे 30,000 पॉइंट्स मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कि ह्यूगो को मारने के लिए सिटी की पुलिस आ जाती है। सबका मानना था कि ह्यूगो एक किलर है, इसलिए सारे लोग एलिटा को उसे मारने के लिए कहते हैं। लेकिन एलिटा ह्यूगो को नहीं मारती क्योंकि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तभी हम देखते हैं कि वह हंटर ह्यूगो को तलवार से मार देता है और ह्यूगो एलिटा की बाहों में दम तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर की वाइफ आती है और वह एलिटा को कहती है कि तुम ह्यूगो का सिर काट लो क्योंकि हम इसके सिर के साथ एक रोबोटिक बॉडी लगा देंगे। एलिटा ऐसा ही करती है और वह ह्यूगो का सिर काटकर सभी को फैक्ट्री में दिखाने के लिए ले जाती है। बाद में एलिटा ह्यूगो का सिर डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां पर डॉक्टर ह्यूगो के सिर को एक नई बॉडी में फिट कर देते हैं, जिससे ह्यूगो वापस से जिंदा हो जाता है। यह देखकर एलिटा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जाता है। हर कोई स्काई सिटी में नहीं जा सकता। स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग रहते हैं जो वहां पर पैदा हुए हैं। इस सिटी से भी वही लोग स्काई सिटी में जा सकते हैं जो उस रेस को जीतते हैं। डॉक्टर एलिटा को आगे बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे। हम तो यहां अपनी बेटी का इलाज कराने आए थे और बस हम तभी से ही यहां पर फंसे हुए हैं। यह सुनकर एलिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह वेक्टर को मारने के लिए वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वेक्टर के सारे रोबोट्स एलिटा पर हमला कर देते हैं, लेकिन एलिटा उन सबको चुन चुन के बारी बारी से मार देती है। एलिटा वेक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी हम देखते हैं कि वेक्टर का एक रोबोट एलिटा पर हमला कर देता है, जिससे एलिटा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है, जिसके कारण एलिटा को अपना पूरा पास्ट याद आ जाता है। उसकी सारी याददाश्त वापस से आ जाती है। तब एलिटा को मालूम पड़ता है कि पहले वह एक फाइटर थी। उसने उस युद्ध में भी हिस्सा लिया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुआ था। लेकिन उस युद्ध में एलिटा के सारे साथी मारे जाते हैं। एलिटा की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके वह सब उसे गार्बेज में फेंक देते हैं। एलिटा को सब कुछ याद आ जाता है कि यह सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और स्काई सिटी के मालिक ने ही उसकी ऐसी हालत की थी और उसके दोस्तों को भी उसी ने मारा है। एलिटा तभी वेक्टर और रोबोट को बताती है कि उसका सपना स्काई सिटी के मालिक को मारना है। तभी हम देखते हैं कि वेक्टर का रोबोट एलिटा पर अटैक करता है। एलिटा अपनी तलवार से उस रोबोट के दो टुकड़े कर देती है और उसी तलवार से एलिटा वेक्टर को भी मार देती है। तभी हम देखते हैं कि एलिटा के पास डॉक्टर का फोन आता है, जो उसे बताते हैं कि ह्यूगो उन पाइप पर चढ़कर स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। एलिटा भी वहां पर पहुंच जाती है। एलिटा ह्यूगो से कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों यहीं पर एक साथ खुशी से रहेंगे। एलिटा की बातें सुनकर ह्यूगो स्काई सिटी नहीं जाता। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से स्काई सिटी का मालिक यह सब कुछ देख रहा होता है। वह उन लोगों पर एक हथियार छोड़ देता है, जिससे ह्यूगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। एलिटा ह्यूगो को पकड़ लेती है, लेकिन एलिटा के हाथ से ह्यूगो छूट जाता है। एलिटा ह्यूगो को खोकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एलिटा डिसाइड करती है कि वह अब स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को जान से मार देगी, क्योंकि वह ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती है। आगे हम देखते हैं कि एलिटा वह रेस जीत जाती है और अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ करती है और इशारों ही इशारों में स्काई सिटी के मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूं तुझे मारने के लिए। मैं तुम्हारा वही हाल करूंगी जो तुमने ह्यूगो का किया था। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।